मंडी में पंचवक्त्र मंदिर के पास आज मत्स्य विभाग ने महासीर मछलियों का बीज ब्यास नदी में डाला। मत्स्य विभाग मंडी की सहायक निदेशक पद पर तैनात नीतू सिंह ने बताया कि पिछले कल कमाद के रियागड़ी क्षेत्र में 10,000 मछली का बीज डाला गया था और आज ब्यास नदी में महासीर मछली का 2,500 बीज डाला गया। विलुप्त हो रही मछलियों की प्रजातियों को बचाना और स्थानीय मछुआरों को रोजगार मिलता रहे, इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने स्थानीय जनता से अनुरोध किया कि मछली का छोटा बच्चा ना पकड़ें, अगर उनके जाल में मछली का छोटा बच्चा आ भी जाता है तो उसे छोड़ दें। यागड़ी क्षेत्र में लगभग 10,000 मछली का बीज, रेनबो ट्राउट मछली का बीज संग्रहण करें और यहाँ पर विक्टोरिया बीज के पास महाशीर का जो है वो कुछ बीज संग्रहित करें। तो फिर हमने अपने निदेशक श्री विवेक चंदेल जी, जो एक IAS ऑफिसर हैं, उनसे हमने परमिशन ली और आफ्टर गेटिंग द परमिशन वी हैव स्टॉक्ड द महाशीर फिश फिंगरलिंग्स हियर। साइज इज 3 to 4 cm और मेरी स्थानीय जनता से यही अपील रहेगी कि वो HP फिशरीज एक्ट 1976 रूल 2020 को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और मछली का छोटा बच्चा कृपया करके नहीं पकड़ें। यदि उन्होंने हमसे लाइसेंस लिया है और उनके जाल में ये छोटा मछली का बच्चा आ जाता है तो कृपया इसे उसी वाटर में रिलीज़ कर दें और उसको बड़ा होने का मौका दें ताकि उसको अपने जीवन काल में जो एक बार है वो प्रजनन का मौका मिल पाए। अब इसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि यहाँ ये जो हमारा पर्यावरण है जिसमें ये मछली की प्रजातियाँ पाई जा रही हैं जो कि लुप्त हो रही हैं दिन प्रतिदिन, तो उनको बढ़ावा मिल सके, इसका मेन उद्देश्य ये है। और दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि जो भी हमारे स्थानीय मछुआरे हैं जिनका कि रोज़गार इस पर निर्भर करता है, उनकी भी आमदनी में बढ़ोतरी। साथ ही नीतू सिंह ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल महीने में मछलियों के अवैध शिकार के 31 मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई के तहत जुर्माना सहित अन्य कार्रवाई की जाती है। इस वर्ष में अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है हमने लगभग 31 मछली के अवैध शिकार के मामले दर्ज किए हैं और जो भी हमारी HP फिशरीज एक्ट 1976 रूल 2020 के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम उस पर लागू करते हैं, उनको फाइन्स भी करते हैं और जो उनकी फिश कैच आ जाती है उसको हम मौके पर ही ऑक्शन कर देते हैं या हम उस ओनर को भी रिस्टोर कर देते हैं। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। वहीं समाजसेवी नरेंद्र सेन ने बताया कि ब्यास नदी में आई बाढ़ से महासीर मछली की प्रजाति विलुप्त हो गई है, इसलिए विभाग से महासीर मछली का बीज डालने का अनुरोध किया गया था और आज विभाग ने 2,500 मछली के बच्चे नदी में डाले हैं। महीना चला हुआ है तो फिशरी वालों से हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ महासीर प्रजाति जो है वो लुप्त होने वाली है, या जैसे पिछले साल यहाँ एक काफ़ी मतलब ये बाढ़ आई थी उसके कारण भी ये मछलियाँ जो है वो काफ़ी मर गई थी। तो हमारा रिक्वेस्ट जो है डायरेक्टर फिशरी शिमला ने मतलब मंजूर किया और यहाँ 600 बच्चे जो महासीर प्रजाति के 2,500 डाले और पिछले कल जो है ट्राउट एरिया जो है कमांड के पास रियागड़ी वहाँ 10,000 जो है वो ट्राउट मछली और ब्रॉन के डाले। तो ये इसलिए है ताकि वो तो इन्वायरमेंट को बढ़ावा मिले और जो भी मछुआरे हैं उनको रोज़गार मिले और एक अच्छा मतलब इसके साथ ही जो गोल्डन महासीर होती है एक ऐसी मछली है जिसको दुनिया भर में मतलब माना जाता है और बहुत से जो ये फॉरनर्स हैं वो भी आते हैं, लाइसेंस बनाते हैं और वो जब मछली पकड़ते हैं तो कैच एंड रिलीज पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं। उनकी एक अपने टाइम का उन्होंने देखा हुआ उनके बुजुर्गों ने, तो ये सिलसिला जारी है और मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि कहीं भी ये जो है आपके जो प्रवासी लोग आए, आपने देखा है कि चंबा में पीछे इन्होंने काफ़ी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचाया, दो जगह जगह है कि मछलियों को कई तरीकों से मारते हैं, डायनामाइट है, कोई इलीगल मतलब ये पॉइजन है, तो इसका सहयोग देना चाहिए। बता दें कि पिछले साल हुई भारी बारिश और ब्यास नदी में आई बाढ़ के बाद नदी में मछलियों की कई प्रजातियां खत्म हो गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।